Welcome back. I hope all of you are doing great. So let's start. आज का बच्चों अपना टॉपिक है क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हमें सीखना है एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड का कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा एग्जाम, आप मान लीजिए दो इक्वेशन दे रखे हैं a1x + b1y + c1 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन आपको गिवन है a2x + b1y + c2 = 0। तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि आपको ना पहले इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को किसी न किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आना चाहिए वो क्या हो कि उसके बाद ना जो कोफिशियंट है या तो x का या y का दोनों इक्वेशन में वो बराबर हो जाना चाहिए। कोफिशियंट क्या हो जाना चाहिए? बराबर। यानी कि मेन कार्य क्या रहेगा बच्चों, हमें जो कोफिशियंट है उसको इक्वल बनाना है। कोफिशियंट को क्या बनाना है बच्चों? इक्वल बनाना है। वो कैसे रहेगा? मान लीजिए आपको इन यहाँ पर x का कोफिशियंट सेम बनाना चाहते हो तो आप क्या कीजिए, x का कोफिशियंट यहाँ पर इक्वेशन वन में x a1 है तो सेकंड इक्वेशन के a1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशियंट a2 है तो फर्स्ट इक्वेशन की a2 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मैं सिर्फ एक स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा बच्चों a2 into a1x ((n2). ओके, और सिमिलरली जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों a1 into a2x। कोफिशियंट कैसा हो गया? सेम। उसके बाद आपको एक बात और रखनी है, जब कोफिशियंट कैसा हो, सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, उसके बाद अगर साइन दोनों का, यहाँ पे दोनों के दोनों मान लो एक्स का जो कोफिशियंट है मल्टीप्लाई करने के बाद अगर साइन सेम है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को आपस में जो नई इक्वेशन मिलेगी सब्ट्रैक्ट करना है अगर साइन सेम रहेगा, और अगर उनके ऊपर सिर्फ मतलब मैग्नीट्यूड सेम है और साइन अपोजिट है, मान लो ऐसे आ जाता इसकी हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते या ऑलरेडी ए टू माइनस में होता तो वहां पे क्या होता है बच्चों, फिर माइनस साइन अगर आ जाएगा तो आप उन दोनों को क्या करोगे, यानी कि साइन अगर अपोजिट होगा मैग्नीट्यूड इक्वल आने के बाद, अगर साइन अपोजिट है तो उस केस में आप जो दो नई इक्वेशन मिली है उन दोनों को ऐड कर दोगे और आपका आंसर निकल आएगा। चलिए बच्चों अब इसी के बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर वन कहता है दो इक्वेशन आपको गिवन है, क्या क्या है बच्चों, x + y = 5 एंड सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, इसको इक्वेशन वन नाम दे देते हैं, एंड इक्वेशन सेकंड क्या कहती है, सेकंड इक्वेशन है आपकी 2x - 3y = 4, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके बाद आप देखिए हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्या कहा कि हमें कोफिशियंट बराबर बनाने हैं, जरूरी नहीं आपको दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़े, इतनी कॉमन सेंस आप में आ जाएगी जब भी इक्वेशन को आप देखोगे। तो यहाँ पे देखो इस केस में x का कोफिशियंट कितना है बच्चों 1, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशियंट कितना है बच्चों 2, वहां पे 1 है यहाँ पे 2 है तो 1 को तो 2 बना सकते हैं हम, कैसे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई ये लिखना है आपको इक्वेशन वन विद मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाई, किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है बच्चों 2 के साथ कर दीजिए, 2 इक्वेशन 2 नहीं है 2 कांस्टेंट 2 के साथ जो कि x का कोफिशियंट है सेकंड इक्वेशन में। तो देखो बच्चों क्या मिलेगा हमें, वी गेट 2 × x + y = 5 है, इक्वल को भी साथ में रखना है, कहीं आप सिर्फ एक साइड मल्टीप्लाई करो तो कितना बना बच्चों ये 2x + 2y = 10, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन थर्ड। और अगर आपको इस चैप्टर का बेसिक याद हो
तो इक्वेशन वन और इक्वेशन थर्ड कैसे हो गई बच्चों, कोइंसिडेंट लाइंस कैसी हो गई है, कोइंसिडेंट लाइन, जहां पर क्या होता है जो रेशियो होता है वो बराबर आता है A1/A2, B1/A2। तो अब देखो बच्चों मेन काम क्या था, हमें कोफिशियंट बराबर बनाने थे, किसके कोफिशियंट बराबर बन चुके हैं यहाँ पे, एक तो इक्वेशन नंबर थ्री में एक्स का कोफिशियंट बराबर है और वो किसके बराबर बन गया है इक्वेशन नंबर टू में। दूसरी बात आपको यहाँ पे साइन देखना है, यहाँ पर कैसा है एक्स का कोफिशियंट प्लस टू है, यहाँ पर भी एक्स का कोफिशियंट कैसा है प्लस टू है, साइन अगर सेम है तो क्या करोगे बच्चों सब्ट्रैक्ट करोगे, आप चाहे सेकंड में से थर्ड सब्ट्रैक्ट कर दो या थर्ड में से सेकंड, वो चॉइस आपकी है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट, नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा आपका इक्वेशन। अब यहाँ पे देख रहा हूं मैं ये फोर है ये टेन है, तो फोर को माइनस करना चाहूंगा, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, थर्ड में से सेकंड माइनस करते हैं बच्चों। तो थर्ड इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों, थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, और सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि इन सभी के साइन चेंज कर दो, ये माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, साइन चेंज करना है, ये बात ध्यान से देखिए बच्चों, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया और ये भी माइनस का कंसिडर किया जाएगा। सो 2x माइनस 2x 0 इक्वल बनाने का एकमात्र मोटिव यही था बच्चों यहाँ पर, कि हम ना एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से, एक वेरिएबल को क्या कर देते हैं एलिमिनेट, इसीलिए इस मेथड को भी हम क्या कहते हैं एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे जीरो बच गया, तो 2y प्लस 3y कितना हुआ प्यारे बच्चों 5y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 कितना हुआ बच्चों 6, सो y इज इक्वल्स टू 6/5। यहाँ पर आपके पास एक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाती है। तो अब ये वाली वैल्यू आपके पास चॉइस है बच्चों, आप चाहो तो इक्वेशन वन में पुट कर दो, चाहो तो सेकंड में, चाहो तो थर्ड में, मैं इक्वेशन वन में पुट कर रहा हूं, पुट y इज इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो रख दीजिए बच्चों। देखो क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपने एक्स प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों 6/5 इज इक्वल्स टू 5। अब यहां से जल्दी से सोल्व आउट करके एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 एलसीएम आ गई तो कितना हो गया ये 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 5, तो 5 उधर जाकर के मल्टीप्लाई, 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25, 6 उस साइड जाकर के माइनस, तो 5x इज इक्वल्स टू 19 और 5 उस साइड जाकर के डिवाइड में, तो 19/5 ये आपका एक्स का आंसर आ गया, ये आपकी वाई की वैल्यू थी, तो यहाँ पे लिख दो, सो एक्स इज इक्वल्स टू 19/5 एंड वाई इक्वल्स टू 6/5 आर द सॉल्यूशन, आर द सॉल्यूशंस। तो ये आपका आंसर है, ये बहुत इजी मेथड है, आपको जब कभी भी मतलब, वैसे तो आपकी चॉइस है, हमने अभी तक तीन मेथड कर लिए हैं, सबसे पहले ग्राफिकल मेथड किया था, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, अब लास्ट मेथड जो हमें सीखना है वो क्या है एलिमिनेशन मेथड। टाइम सेविंग होता है बच्चों ये वाला, जब भी आपको ऑप्शन ना दे रखा हो तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो, बट अदरवाइज आपको मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन इजी लग रहा है तो वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसी को फॉलो कीजिए, आप वो भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या है ये लगभग टाइम सेविंग होता है और आपका आंसर जो है जल्दी आने के चांसेस रहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होते हैं, सेकेंड पार्ट क्या कहता है बच्चों, इक्वेशंस देखो क्या क्या गिवन है, तो ये दो इक्वेशन बच्चों आपको गिवन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल बराबर नहीं है, तो हमें आपको लग रहा होगा कि x का, देखो लग रहा होगा ना, वो भी एक सॉल्यूशन है कि x का वेरिएबल बराबर बनाना है हमें, सॉरी कोफिशियंट बराबर बनाना है, तो इक्वेशन वन में मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड जो इक्वेशन है वहां पर x का कोफिशियंट 2 है तो 2 से, और सेकेंड इक्वेशन की मल्टीप्लाई करेंगे जो इक्वेशन फर्स्ट में एक्स का कोफिशियंट है उससे, यानी कि 3 से। और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, देखो यहाँ से ना 2 कॉमन आ रहा है बच्चों, हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं
यहाँ पे इक्वेशन टू कैन बी रिटन एज टू कॉमन लिए तो कितना बचा बच्चों एक्स माइनस वाई, और यहां से भी कॉमन ले लो उस साइड से भी कॉमन आ रहे हैं तो कितना बच गया। अगर देखो कोई भी इक्वल के दोनों तरफ से अगर कोई कॉमन आता है ना तो वहां पे उसको दिखाने की भी आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू वन, क्योंकि टू कॉमन आ गए दोनों साइड से कैंसल आउट हो गए। तो ये इक्वेशन थ्री बनाना चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर थ्री बना दीजिए अपना प्रॉब्लम, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि इक्वेशन टू को आपने टू से डिवाइड कर दिया तब आपको इक्वेशन बन गई। अब देखो एक्स का कोफिश हमने ऐसा किया क्यों है, कोशिश अगर ऐसा हो सके ना तो कोशिश किया करो कि एक्स या वाई में से किसी का भी कोफिशियंट आप वन बना सको। उससे क्या होगा कि आपने सेकंड उसमें जो भी चेंज लाना ना वो सिर्फ एक इक्वेशन में चेंज लाने से काम चल जाएगा। अब देखो इक्वेशन वन में क्या है बच्चों, इक्वेशन वन में कोफिशियंट कितना है थ्री है, तो एक्स का कोफिशियंट अब थ्री बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसकी इक्वेशन थ्री की, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन थ्री बाई थ्री, तो कितना हो जाएगा बच्चों थ्री एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल्स टू थ्री, इसको इक्वेशन फोर बना देते हैं। अब फोर्थ इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन में जो कोफिशियंट्स हैं वो कैसे हो गए प्यारे बच्चों, बराबर हो गए, तो यहाँ से आंसर आप इजिली निकाल सकते हो। अब क्या करेंगे माइनस कर देते हैं इक्वेशन वन में से इक्वेशन फोर को, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर फ्रॉम इक्वेशन वन, तो इक्वेशन फोर क्या है बच्चों, इक्वेशन वन क्या है थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल्स टू टेन, सब्ट्रैक्ट करना है थ्री एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू थ्री, तो साइन चेंज होंगे यहाँ पे ध्यान रहे बच्चों साइन चेंज करना, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया ये कैंसिल आउट थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स, फोर प्लस थ्री कितना हो गया बच्चों सेवन, एंड टेन माइनस थ्री भी कितना हो गया बच्चों सेवन, तो वाई की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया प्यारे बच्चों वन, वाई की वैल्यू वन आ गई है। आपके पास चार इक्वेशन है किसमें भी पुट कर दो, मैं इक्वेशन थर्ड में पुट करना चाहूंगा क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वाई अकेला रखा गया, तो पुट वाई इज इक्वल्स टू वन इन इक्वेशन थ्री। थर्ड इक्वेशन क्या कहते हैं बच्चों एक्स माइनस वाई, वाई इज इक्वल्स टू वन इक्वल्स टू वन, तो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों वन, उस साइड जाकर के प्लस में वन प्लस वन विच इज इक्वल्स टू टू, सो एक्स इक्वल टू टू, सो एक्स इक्वल टू टू एंड वाई इक्वल टू वन इज अ सॉल्यूशन। इस तरीके से आप आंसर निकालोगे। देखो अगर किसी को ये डाउट है कि सर आपने ऐसा क्यों किया, डिवाइड क्यों किया है, कॉमन क्यों लिए हैं, हम डायरेक्ट करते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इक्वेशन वन की टू से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना आएगा सिक्स एक्स प्लस एट वाई इक्वल्स टू ट्वेंटी, तो इक्वेशन टू की किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों एक्स का जो कोफिशिएंट है थ्री, थ्री से तो कितना हो जाएगा सिक्स एक्स माइनस सिक्स वाई इक्वल्स टू सिक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको, तो ये कितना हो गया बच्चों देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया एट प्लस सिक्स फोर्टीन वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी माइनस सिक्स फोर्टीन, तो y की वैल्यू वहां से भी 1 आएगी और दोबारा से y की वैल्यू 1 कहीं भी रख दोगे तो आपका आंसर x की वैल्यू आपको कितना मिलेगा 2। तो आपकी चॉइस है, आप कैसे भी करना चाहो जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी प्रकार से आपको थर्ड पार्ट करना है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है, देखिए क्या है वैसे थर्ड पार्ट में ये क्वेश्चन दे रखे हैं आपको यहाँ पे, तो देखो क्योंकि हमें लास्ट में जाके सब्ट्रैक्ट ऐड करना पड़ता है तो उसके लिए क्या किया करो इक्वेशन ना इस फॉर्म में रहनी चाहिए आपकी, या फिर मान लो कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ हो सकती है इक्वल के, बाकी जो वेरिएबल वाली वैल्यू सेम डायरेक्शन में रहनी चाहिए इक्वल से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जो सेकंड इक्वेशन दे रखी है ना इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे शुरुआत में नाइन एक्स, और यहाँ पे क्योंकि इक्वल में जीरो है तो हम इधर भी इक्वल में जीरो रखेंगे, तो टू वाई बच्चों इधर आकर के माइनस में और सेवन भी इधर आकर के माइनस में। अब इसको नाम दे दो आप इक्वेशन टू और इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन वन, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ से आप क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान है, देखिएगा आप किसके कोफिशिएंट बराबर बनाना चाहोगे, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे थ्री है इधर कितना है नाइन है, क्या इसको नाइन से और उसको थ्री से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है, मतलब एक तरीका है वो, लेकिन क्या वो जरूरी है नहीं,
क्योंकि 3 को 9 बनाया जा सकता है, कैसे, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो यानी कि सिर्फ इक्वेशन 1 की अगर हम 3 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 9x हो जाएगा, x का कोफिशिएंट वहां पर बराबर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 3 9x माइनस 5 3 15y माइनस 4 3 12 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 9x, यहाँ पर भी 9x, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए किसी में से कोई सा कर दो। तो यहाँ पे लिखो बच्चों, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, ये 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट करनी है तो साइन चेंज करना बिल्कुल नहीं भूलें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे माइनस की जगह प्लस, और क्लियर दिखने चाहिए आपने जो साइन चेंज कर रखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिफरेंट कलर का पेन यूज करो, बट वो दिखना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो कीजिए सब्ट्रैक्ट, 9x माइनस 9x 0, देखो y का कोफिशिएंट वहां पे माइनस 2 है, यहां पे प्लस 15 है, तो माइनस 2 प्लस 15 कितना हुआ बच्चों, 13y माइनस 7 प्लस 12 कितना हुआ बच्चों, प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई तेरे बच्चों, 5 उस साइड जाकर के माइनस में और 13 डिवाइड में, तो माइनस 5y 13। अब आपको क्या करना है, यही वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, किसमें, इक्वेशन 1 में कीजिए या 2 में या 3 में, आपकी चॉइस है। चलो इक्वेशन कहीं पर भी इधर कर देते हैं, इक्वेशन 2 में, तो पुट y इज इक्वल्स टू माइनस 5y 13 इन इक्वेशन सेकेंड। तो वो क्या है बच्चों, 9x माइनस 2 इंटू y की वैल्यू माइनस 5y 13 माइनस 7 इक्वल्स टू 0, माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना हुआ, 9x प्लस 10y 13 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। नंबरों को एक साइड ले जाओ, या आप चाहो तो एलसीएम यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो नंबरों को उधर अगर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 7 प्लस का और 10 बाई 13 उधर जाकर के माइनस, यहाँ से कितना हुआ, 9x इज इक्वल्स टू 13 आ गया एलसीएम, 13 7 जो 91 माइनस 10 तो कितना होगा, 81 बाई 13 9x। तो x की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ से 9 उस साइड जाकर के डिवाइड में, तो 13 इंटू 9 9 से 81 9 पे कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 9 बाई 13। तो ये आ गई आपके x की वैल्यू, ये आपकी y की वैल्यू है, और ये है आपका सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर टू ऑल। लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, तो बच्चों देखो लास्ट क्वेश्चन में इक्वेशन जो हमें थोड़ा फ्रैक्शनली फॉर्म में दे रखी है, तो इनको सोल्व करना काफी ईजी है। हम क्या करेंगे, शुरुआत में इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जो एलसीएम लेकर के, तो देखिए बच्चों कैसे, यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 6, और यहाँ पे ना एक स्टेप और आप ऐड कर लीजिए प्यारे बच्चों। अगर आप एलसीएम कंप्लीट का ले लें, कंप्लीट का मतलब इक्वल की अपोजिट साइड क्या है उसका भी साथ में ही, तो ना फिर नेक्स्ट स्टेप में जाकर के आप एलसीएम को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 और 1 का एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 6, तो ये कितना हो गया 3x प्लस 3 2 पे कैंसिल करेगा तो 2 2 जा 4y इक्वल्स टू 1 6 पे -6, ठीक है। एंड यहाँ पर भी बच्चों एलसीएम कितना आ गया, 1 1 है तो 3 आ गया, तो कितना हो गया बच्चों, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो अब क्योंकि हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का इकट्ठा एलसीएम लिया था, तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको गायब कर सकते हो। कैसे होता है सर, क्योंकि अब अगर मैं इसको अलग से लिखूं जा रहे बच्चों तो भी तो क्या रहेगा, देखो अलग से, अब मैं दोनों के नीचे अलग से लिख सकता हूँ 6 बाई 6 यहाँ पर, फिर बाद में तो ये 6 उस साइड जाकर के मल्टीप्लाई होगा और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करो, अगर कंप्लीट का एलसीएम आपने लिया है राइट हैंड साइड इंक्लूडिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो आप एलसीएम को गायब कर दो, तो इक्वेशन क्या क्या बच गई बच्चों, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 6 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9।
इसको नाम दे देंगे अब हम इक्वेशन वन, और इसको कह देंगे इक्वेशन टू। तो बताओ बच्चों, अब ऑलरेडी यू कैन सी द वेरिएबल जो है एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बराबर है, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि 3x 3x, तो सिंपली सब्ट्रैक्ट किसी को भी इक्वेशन, मान लीजिए ओके वन को कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में से करना है, जिसमें से माइनस करना है उसको पहले लिखा करें, 3x-y = 9 एंड 3x+4y = -6। सब्ट्रैक्ट करना है तो बच्चों साइन चेंज करेंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 3x-3x कैंसिल आउट, -y-4y -5y, 9+6 = 15, सो y = 15 -5 -3। y की वैल्यू आ गई हमारे पास, अब इक्वेशन वन में पुट कर दो या इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, पुट y = -3 इन इक्वेशन वन। तो देखो बच्चों कितना है, 3x+4 - 3 = -6, इक्वेशन वन में हमने पुट कर दी वैल्यू, तो कितना हुआ बच्चों, 3x+4 - 3 - 12 = -6। -12 उस साइड जाकर के प्यारे बच्चों प्लस में, तो 12 - 6 कितना बच जाएगा, 6, और 3 उस साइड जाकर के डिवाइड में, तो 6/3 कितना हुआ, 2। तो x = 2 एंड y = -3 आर द सॉल्यूशन, वो लिखा करें बेटे, ये लास्ट लाइन जरूर लिखा करें, सो x = 2 एंड y = -3 इज द सॉल्यूशन। एंड विद दैट एक्सरसाइज 3.3 का एलिमिनेशन मेथड से जो क्वेश्चन हमने सोल्व किए वो सभी, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। यहाँ पे आपको क्या बोला गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन में, खैर यहाँ पर वैसे एग्जाम में ऐसा कभी नहीं आता कि एक ही क्वेश्चन को आपको दो मेथड से सोल्व करना हो, बट यहाँ पे आपको बोला गया है, अगर आप स्पोर्ट कर सकते हो यहाँ पे, ये देखिएगा, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपको यूज करने को बोला गया है। तो आपको क्या करना है, जब भी फिर कॉपी में सोल्व करोगे तो हर एक पार्ट को एलिमिनेशन जो मैंने करवा दिया है प्लस सब्स्टिट्यूशन जो हमने प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस एक्सरसाइज में सीख के आए हैं उसका यूज करते हुए हमें सोल्व करके दिखाना है, और आपको आप देखोगे कि मेथड चाहे आपने कोई सा भी लगाया हो आंसर जो है वो दोनों बार सही आएगा, अगर आप सेम आएगा अगर आपने जो कैलकुलेशन है वो ठीक ठाक की है तो, यानी कि यहाँ से हम समझ सकते हैं भी मेथड आप कोई भी लगाओ आंसर जो है सेम आता है, और जब दोनों क्वेश्चनों को एक ही तरीके से सॉरी एक क्वेश्चन को जब दोनों तरीकों से सोल्व करोगे तो साथ में आपको ना ये भी आइडिया हो जाएगा कि जब तुम्हारे पास चॉइस है, कोई स्पेसिफिक मेथड उन्होंने नहीं बोला है, तो आपको जो भी इजी लग रहा होगा ना जब सेम क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से सोल्व करने के बाद, जो भी मेथड इजी लगेगा वही मेथड आप जब आपके पास चॉइस होगी तो उसको यूज कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ हमारा जो 3.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन होता है समाप्त, सेकेंड क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड जितना हो सके उतना आप शेयर भी कीजिए अपने कजन्स को या आपके दोस्त जो भी हैं, रिलेटिव हैं जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं एट प्रेजेंट, और अगर वो अच्छे से सीखना चाहते हैं तो उनको बोलिए कि भाई आप हमारे चैनल पे आएँ और वीडियो देखें, और बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में सिखाई जाएंगी। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।